हेलो गाइस, आप सभी का बाला की रसोई यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज की रेसिपी है गुजिया बनाना। तो आइए, होली के अवसर पर हम गुजिया बनाते हैं। गुजिया बनाने के लिए ये हमने खोया लिया है। ये हमने खोया घर पर ही तैयार किया है। ये कम से कम 250 ग्राम के आसपास खोया है। चाशनी बनाने के लिए हमने ये एक कटोरी चीनी ली है और ये हमने केसर के धागे लिए हैं। इलायची पाउडर लिया है ये हमने, और ये बादाम लिए हैं, इनको हमने कट कर लिया है। किशमिश, इसको भी हमने कट कर लिया है। और ये हमने मैदा लिया है, ये 250 ग्राम के आसपास मैदा है। और ये हमने नारियल का बुरादा लिया है, जो हम गुजिया के अंदर मावा भरेंगे उसमें डालने के लिए। और ये बूरा ली है हमने एक छोटी कटोरी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। एक कढ़ाई ली है, गैस को ऑन कर दिया है। सबसे पहले हम चाशनी तैयार करेंगे। ये एक कटोरी चीनी है और ये हमारी पौना कटोरी पानी है। अब हम अपनी चाशनी को पका लेंगे। इसमें हम ये केसर के तारे डाल देंगे, ही थोड़ी सी इलायची पाउडर डाल देंगे, थोड़ा सा हम बचा लेंगे इलायची पाउडर को। ये हमने चाशनी में केसर के धागे इसलिए डाले हैं जिससे कि हमारी चाशनी का कलर बदल जाए और अच्छा कलर आ जाए चाशनी का। चाशनी को पकने दूंगी, मैदे की तैयारी कर लेती हूँ। ये 250 ग्राम के आसपास मैदा है। अपने मैदे में मोइन डालेंगे। ये मैंने एक बड़ा स्पून ऑयल लिया है और हम थोड़ा सा और डाल देंगे। और अब मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। ये हमारी चाशनी बनकर तैयार हो चुकी है। ये हमें एक तार से कम चाशनी चाहिए थी, ये हमारी चाशनी बिल्कुल ठीक है। अब मैं गैस को बंद कर दूंगी, चाशनी को एक साइड में रख दूंगी। ये मैंने एक कढ़ाई ली है, अब मैं इसमें ऑयल डाल दूंगी और गैस को मैं ऑन कर दूंगी। गैस को मैं स्लो पे ही रखूंगी। जब तक हमारा ऑयल गर्म होता है तब तक मैं मावे को तैयार कर लेती हूँ। ये मैंने एक बाउल लिया है, इसमें मैं अब ये मावा डाल दूंगी। अब मैं मावे के अंदर ये ड्राई फ्रूट डाल दूंगी। ये किशमिश है और ये बादाम है, साथ ही ये नारियल का बुरादा डाल दूंगी। आप इसके अलावा जो आपके पास ड्राई फ्रूट है वो भी इस्तेमाल कर सकते हो। मैंने किशमिश और बादाम और नारियल के बुरादे का इस्तेमाल किया है। अब मैं इसमें बूरा डाल दूंगी, अपने स्वाद अनुसार ही रख सकते हैं। और इसमें अब मैं ये इलायची पाउडर भी डाल दूंगी। इसको हाथ की मदद से मिक्स कर लूंगी। ये हमारा मावा अच्छे से मिक्स हो चुके हैं, इसमें ड्राई फ्रूट वगैरह। अब मैं इसे एक साइड में रख दूंगी और गुंजिया भरने की। और ये हमारा आटा अच्छे से सेट हो चुका है। अब मैं इसकी लोइयां बना लूंगी आटे की। ये हमें इतने साइज ही रखना है। इसी प्रकार से हम अपनी सारी लोइयां बनाकर तैयार कर लेंगे। हमारे पेड़े बनकर तैयार हो चुके हैं, हम इसे बेलेंगे। इसे जितनी हम पूरी का साइज रखते हैं उतना ही साइज रखना है हमें। इसी प्रकार से हम चार पांच लोइयों को बेल लेंगे। ये हमने एक सांचा लिया है,
और ये हम इसको पूरी को सांचे के ऊपर इस प्रकार से रखेंगे। और हमने ये मटेरियल तैयार किया है, इसमें भर देंगे हम। और ये पानी लिया है, के किनारों पे हम पानी लगा देंगे उंगली की मदद से इस प्रकार से। आप चाहे गुजियों को हाथ से सेप दे सकते हैं, मैं इसे सांचे की मदद से गुजिया की सेप दूंगी। इस प्रकार से एक्स्ट्रा आटे को हम एक साइड से निकाल के एक साइड में रख देंगे और ये गुजिया को थोड़ा सा दबा देंगे और फिर हम इसको खोलेंगे। और ये हमारी गुजिया अच्छे से बनकर तैयार हो चुकी है। इसी प्रकार से हम अपनी सारी गुजियों को तैयार कर लेंगे। ये हमारी गुंजिया अच्छे से बन गई हैं। बाहर से मैं सारी गुंजिया तैयार कर लूंगी। ये हमारी गुंजिया बिलकर और भरकर तैयार हो चुकी हैं। हमारा ऑयल भी गर्म हो चुका है। इसमें एक एक करके गुंजिया डालूंगी। करूंगी। ये हमारी गुजिया बनकर तैयार हो चुकी है। ये हमारी मीठी गुजिया चाशनी वाली है और ये बिना चाशनी की गुजिया है। ये हमारी दोनों गुजिया बनकर तैयार हो चुकी हैं। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। और आप सभी को होली की बहुत बहुत